बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खालिद महमूद खालिद। कनाडा में आज मेरा राब्ता हुआ एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान, भारत, चाइना और खित्ते के दीगर ममालक के जो ताल्लुकात हैं और उनके जो आपसी रिश्ते हैं उनके बारे में बहुत गहरी नजर रखती हैं। महलीज सरकारी, मैंने आपका नाम सही बोला? जी जी, चलें, शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा सबसे पहले कि आप कनाडा में बैठी हैं और ज्यादा नजर आपकी जो एशिया है उसके हवाले से होती है, खासतौर पे पाकिस्तान, भारत और चाइना के जो ताल्लुकात हैं या यहाँ आपस में इनके जो एक दूसरे के साथ कशीदगी है, बेहतरी है और जो कुछ भी इनके आपसी ताल्लुकात हैं उन पे आप गहरी नजर रखती हैं। शुरू में आपसे ये आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत और चाइना ये दोनों आपस में इस वक्त अगर ये कहा जाए तो लद्दाख में जंग की हालत में है, इसके बावजूद चीन और भारत के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत बढ़कर हैं और उसमें ये लद्दाख का अमल जो है वो कारफरमा नहीं होता। ये क्या वजह है कि चीन और भारत में ताल्लुकात खराब होने के बावजूद कारोबार ठीक से चल रहा है और पाकिस्तान एक तरफ इंडिया का हमसाया मुल्क है जिसमें जंग की हालत भी नहीं है लेकिन तजारती ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है। आप कैसे देखती हैं कि ये कैसे बेहतर हो सकते हैं और आखिर चीन के ताल्लुकात बेहतर क्यों हैं? देखिए, आपकी लड़ाइयाँ, आपकी जो दूसरी चीजें वो तो चलती रहती हैं, मगर चाइना और आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी बूम कर रही है, दे आर लाइक टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, सो वो अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्मार्ट कि वो अपना बिजनेस नहीं ठप करते हैं। उनकी लड़ाई जो चल रही है वो सेपरेट उन्होंने रखा हुआ है इशू, मगर वो अपनी तिजारत में वही करें ताकि उनकी अगर आप वो भी बंद कर दोगे तो फिर आपका भी वही हाल होना है जो आई एम सॉरी टू से जो पाकिस्तान का इस वक्त हुआ हुआ है। एंड आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया को दोस्ती करके अपनी तिजारत करना चाहिए, बिकॉज़ वी हैव सो मेनी सिमिलर थिंग्स मोर देन चाइना। अगर दोनों कंट्रीज मिलके एक फ्रेंडली उस पे मुआहदे पे आकर अगर दोनों करना शुरू करें बिजनेस, सो आई थिंक दे कैन बोथ बेनिफिट फ्रॉम इट वे मोर देन जितना आप चाइना के साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है इस तरीके से। अच्छा, पाकिस्तान आपका ख्याल है कि इस वक्त अगर भारत के साथ तजारती ताल्लुकात जो है उनको भी सामने रखे तो आगे निकल सकता है, तो आप ये बताइए ना कि पाकिस्तान तो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जैसा कि अभी आपने देखा शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं और उनकी इस सिलसिले में उन्होंने जो यूएई के जो हुक्मरान हैं उनसे ये बात की, शेख मोहम्मद से, कि आप भारत के साथ इस तरह की बात करें कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन एक तरफ शहबाज शरीफ ने ये प्रपोजल दी और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद से ये मैसेज आ गया जी कि ये जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा उस वक्त तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, तो आखिर क्या समझा जाए कि पाकिस्तान सिंसियर है नहीं है या इंडिया सीरियस नहीं है? आई थिंक इंडिया के साथ अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बैकआउट तो नहीं करेंगे, दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर, मगर एक आपको एक पेज पे आके खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान में, यू हैव टू डिसाइड कि वॉट यू वॉन्ट बेटर, आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी आटे की शॉर्टेज पड़ रही थी, भूख से लोग मर रहे हैं वहां पर, यू नो देयर इज इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, यू हैव टू सिट देयर एंड थिंक कि व्हाट इज बेटर फॉर द कंट्री। आप कश्मीर का इशू लड़ते रहे उस पर जिस तरह से इंडिया और चाइना जो है अपने उस पर लड़ रहे हैं, मगर अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस ऑफ साइड पे करें ना, बेचारे गरीब इस वक्त मर रहा है, इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दे हैव द मनी,
तो पिस्ता कौन है? पिस्ता वो बंदा है जिसकी रोजाना की कमाई है, वो नहीं खा सके, गरीब पिसेगा इसमें। सो आई थिंक कि अगर आप सबकी बेटरमेंट के लिए सोच के, अगर आप एक मुआयदा करके एक एक सोच पे आकर, यू हैव टू कम ऑन वन पेज एंड देन गो फॉरवर्ड। मगर अनफॉर्चुनेटली वही है ना कि पावर एक के हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब मुशरफ का दौर था, उस वक्त आपने देखा था कि ही डिड ट्राई, ही एक्चुअली वेंट टू इंडिया, उसने तो वहां जाकर शोज वगैरह भी किए, ही इज डन इंटरव्यूज एंड स्टफ, सो एटलीस्ट ही ट्राइड दैट। बाकी उसकी चीजें अच्छी हो ना हुई हो, बट ही एटलीस्ट ट्राइड दैट, बिकॉज़ ही वाज द ओनली वन इन पावर एट दैट टाइम टू मेक डिसीजंस, राइट। तो अभी हमारे पास जो लोग, डिफरेंट लोग बैठे हैं पोजिशन में, तो एक ये कहता है तो वो कहता है, बट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड कम टूगेदर समवेयर इफ दे वॉन्ट पाकिस्तान टू मूव फॉरवर्ड। आपने कहा जी मुशर्रफ के दौर में दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और मुशर्रफ वहां जाके अपनी एक्टिविटीज भी करते रहे। कमर जवेद बाजवा जो के एक्स आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। आपने देखा होगा करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको ओपन किया और एक तरह का पाकिस्तानी एक काफी हिस्सा जो है वो इंडिया की जो पहुंच में आ गया और वहां से बगैर वीजा के इंडियन जो सिटीजन है, हाँ वो सिख हैं या किसी और मजहब के हैं, वो आसानी के साथ करतारपुर दरबार साहब में आते हैं और वहां आके मथा टेकते हैं और वापस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे कमर जवेद बाजवा, वो तो बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते थे और फिर इंडिया बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए है कि जब तक दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जाता उस वक्त तक भारत जो है पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी नहीं करेगा और ताल्लुकात भी बेहतर नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान तो बात करना चाहता है, इंडिया का तो ये स्टैंड है कि वो जो दहशतगर्दी का मामला जो है उसको पहले हल करे। वही मैंने आपसे कहा ना कि दोनों कंट्रीज को, उस पूरे मामले को जब तक आप अलग नहीं करेंगे, आप इसको कितना ड्रैग करेंगे, लुक हाउ लॉन्ग इट हैज टेकन, और तब तक दोनों कंट्रीज, आई मीन इंडिया इज स्टिल डूइंग बेटर देन पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान भी तो सफर कर रहा है ना। अगर पूरा सब कॉन्टिनेंट वहां पे मिलके तिजारत करे एंड डू बिजनेस विद ईच अदर, चाइना एंड पाकिस्तान आर डूइंग गुड, यू नो, मगर पाकिस्तान को भी दे नीड अदर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज टू सपोर्ट दम, राइट। तो अब वही मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों को इस चीज को साइड पे रखना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। उसको आप डील करते रहो, यस दहशतगर्दी की प्रॉब्लम है, उसको आप सेपरेटली डील करोगे, यू नो, तिजारत में आई डोंट नो कि दहशतगर्दी का क्या उसमें वो ताल्लुक आ जाएगा। आई थिंक दिस होल इशू शुड बी सेपरेट एंड दे शुड कम टू अग्रीमेंट टू डू बिजनेस टुगेदर, टू बी ऑनेस्ट। आप बिजनेस का चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जो रिलेशन है वो बहाल हो, ये पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो भी चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम भी चाहते हैं। देखिए भारतीय चीजें जो हैं वो हम दुबई के रास्ते पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं और जो 100 रुपए की चीज है वो हमें 1000 रुपए में मिलती है। अगर ये अमृतसर से लाहौर आ जाए तो उसकी कीमत 100 रुपए की बजाय पाकिस्तान में 200 रुपए हो जाएगी, तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक ही बात जो मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक हम टेररिज्म या कश्मीर को लेके आएंगे उस वक्त तक तो ये बातचीत नहीं होगी, तो आखिर पहल कौन करे? Well, I don't know कि पहल कौन करेगा, दोनों तरफ से ही कोशिश करनी पड़ेगी। I know कि टेररिज्म is a problem। बहुत सारी कंट्रीज, अब आप यूएस और हमारे कनाडा को भी देख लो, इनके बीच में भी प्रॉब्लम चलती रहती है, मगर वो ये ना इनका जो ट्रेड है वो नहीं रुकता है। they might not agree on everything, मगर उनका ट्रेड वगैरह नहीं चलता। अभी कोविड के दौरान भी बहुत सारी चीजें हुई थी, ट्रूडो ने बड़ी सैंक्शंस लगाई, ये करा वो करा, बट they were still ट्रेडिंग। तो मैं फिर वही बात बोलूंगी कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आप उसी एक घिसेपिटी चीज को लेके चलते रहोगे, यू गोना कीप गोइंग, आप लोगों ने कुछ नहीं अकॉम्प्लिश किया उसमें से। ऑब्वियसली अगर आप किसी एवरेज पाकिस्तानी या इंडियन से पूछोगे तो वो लोग भी यही चाहेंगे कि ये कश्मीर का इश्यू जो है, जो भी है, इसको आप सॉल्व करें या इसको साइड पे करके हमको थोड़ी सी ब्रेक दो ताकि हमारी जो महंगाई है वो कम हो, यू नो, ताकि हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। मगर ये चंद लोग हैं ऑन द टॉप दैट डोंट, दे आर मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। आप लोगों की जिंदगियों के डिसीजंस वहां बैठ के ले रहे हैं, चंद लोग तो मर गए, खप गए सफर कर करके, यू नो, और आप वही लेके इशू लेके बैठे हुए हो। या तो उसको सॉल्व करो या तो उसको आप साइड पे करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। तो यू दे विल हैव टू मेक अ डिसीजन एट सम पॉइंट और द अदर, वरना फिर आप कहाँ जाएंगे, यू नो, आपकी इकोनॉमी नीचे चली गई है एंड इंडिया आल्सो विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट, क्योंकि देखिए हमारी जबान ऑलमोस्ट एक है,
हम समझ सकते हैं एक दूसरे को। हमारा कल्चर भी अगर आप देखें, खाने पीना बहुत सारी पहनना, इट्स सो मच सिमिलर टू देन एनी अदर एशियन कंट्रीज वहां पर जो है, राइट? तो आप खुद सोचेंगे जब अगर हम बिजनेस करना शुरू करेंगे, सो देन हाउ वुड इट बी। अब आप देखें जब पाकिस्तान के एक्टर्स जब इंडिया आते थे, एंड देन इंडियन एक्टर्स यूज टू गो टू पाकिस्तान, दैट वॉज अ गुड टाइम, यू नो, वी ऑल अप्रिशिएटेड देम। किसी से पूछ लो वो कहेंगे हाँ हम शाहरुख खान को भी पसंद करते हैं, अमिताभ को भी पसंद करते हैं, पीपल ऑल्सो लाइक फवाद खान इन इंडिया, हमारे ड्रामे कितने फेमस हैं इंडिया में, राइट? सो वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू बी मोर फ्रेंडशिप, और हमको अपने लोगों को भी जोड़ना चाहिए। हम अपने चंद लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने ये हेटरेट पैदा की हुई, आई थिंक ये नैरेटिव जब तक आप बेच रहे हैं उनकी पॉकेट्स फुल हो रही हैं। अगर आप ये नैरेटिव बेचना बंद कर देंगे और दोस्ती हो जाएगी ना, तो फिर उनकी पॉकेट्स कैसे भरेंगी? You understand now what I'm trying to say? ये लोग चंद लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि हम लोगों की दोस्ती हो। ये चंद लोग कौन से हैं? इंडिया में कौन से हैं ऐसे चंद लोग थे? Obviously they're like the decision makers on top, right? That what I would have to say, क्योंकि कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं होंगे ना जो ये decisions कर रहे हैं। जैसे आप पाकिस्तान में देखो तो I guess शहबाज शरीफ, he thought something smart and he thought we should take a step on it, magar kisi aur ne aage kaha ki nahi ye to hamara narrative nahi hai, ab unke piche kaun hai kya hai wo I don't know, magar I'm just saying ki there are people that are aapko samne nahi dikhenge, wo piche shadows mein kaam karte hain, but they don't want ke india pakistan ke jo taluq hai wo sahi ho. अच्छा चलें ये बताइए, आप कनाडा में बैठी हैं, यहाँ पे आप पाकिस्तानी लोगों से भी मिलती हैं, भारतीय लोगों से भी मिलती हैं, उनके रिएक्शन क्या होते हैं? क्या वो वहां पे भी टेंशन की फिजा में बैठते हैं या उनमें कोई बड़ी सुलह सफाई और दोस्ती होती है? नहीं, मैंने ऑनेस्टली मैंने यहाँ पर इंडियंस के बीच में भी काम किया है, कभी मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, कोई फील नहीं करा उन लोगों ने करवाया। पाकिस्तान इंडिया की यहाँ पे मिसेस आलम में आप चले जाएं, देयर मोस्टली पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, लोग एक दूसरे की शादियों में जा रहे होते हैं, यहाँ पे पार्टीज होती हैं दिवाली की, ईद की, एवरीबॉडी इज टुगेदर, यहाँ आपको पता ही नहीं चलता है कि इंडियन कौन है तो पाकिस्तानी कौन है। वही तो मैं कहती हूँ कि वहां पर इतना इंडिया पाकिस्तान और वो नफरतें इतनी गाड़ दी हैं, बट व्हेन यू कम हियर एंड व्हेन यू गेट बिजी इन योर लाइफ, आप डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हैं, एक कम्युनिटी देखते हैं, मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है यहाँ पर, चाइनीज भी हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कभी पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि दूसरे लोग रहते कैसे हैं, राइट? दे डोंट नो, दे जस्ट हैव बीन टोल्ड कि भाई वहां के लोग ऐसे हैं, यूं करते हैं, वो करते हैं, उनको वो नैरेटिव दिमाग में डाल दिया है, अब वो यही समझते हैं। अब फिर जब वो यहाँ आते हैं, देखते हैं, उनका दिमाग खुलता है, उनको लगता है यार ये तो हमारे ही जैसे लोग हैं, तो देन दे चेंज देयर मेंटालिटी चेंजेस। मगर मैंने यहाँ पर ये नफरतें नहीं देखी हैं जो हमारे बैक होम जो डाली जाती हैं। अच्छा, वहां पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के दरमियान और सब एक मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं? आप यहां इंग्लैंड में हुई थी, सॉरी इंग्लैंड में हुई थी कोई थोड़ी सी झड़प वहां पर, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया का जो पर्सनल इनसाइड मैटर यानी खालिस्तान और वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने देखा है जुलूस वगैरह निकलते हुए, बट मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तानी एक साइड पे खड़े हैं, इंडियंस एक साइड पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। मैंने कनाडा में तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। इन लोगों को साथ में बिजनेस करते हुए देखा है मैंने, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स पे आप जाएंगे पाकिस्तानी ओन बिजनेस है, रेस्टोरेंट में चले जाओ इंडियंस काम कर रहे हैं, इंडियन बिजनेसेस हैं, मॉर्गेज कंपनीज हैं, वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स कल्चर हियर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मिसिसागा में आपकी रहायश है शायद? नहीं नहीं, मैं मिसिसागा में नहीं रहती हूँ, मगर मैं काम कर चुकी हूँ बहुत मिसिसागा में। मगर जो आप कह सकते हैं ना कि जो मिसिसागा इज लाइक द हब ऑफ देसी पाकिस्तानीज इंडियन, फिर ब्रैम्पटन आपको सीख मिल जाते हैं वहां पर, और पाकिस्तानी लाइक दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड हियर। आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं यहां पे ज्यादातर? मेरी एक्टिविटीज तो अभी तो ऑब्वियसली आई डू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, यू नो इंस्टाग्राम है, आजकल मैं टिकटॉक पे भी पहुंची हुई हूँ, सो इट्स डिफरेंट थिंग्स। मैं अपना एक्टिविज्म भी करती हूँ, फिर एट द सेम टाइम यू नो जब आप बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स और इन चीजों में बात करते हो ना, तो दिमाग जो है हर वक्त वो चीजों कर करके ना झक हो जाता है आपका, तो आई ऑल्सो डू सम फैशन ब्यूटी स्टफ, ताकि वो मेरी हॉबी है, मेरा दिमाग थोड़ा सा सेन रहे, वरना सारा दिन झिक 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 करके जो है ना दिमाग बिल्कुल पागल हो जाता है। किस नाम से है YouTube चैनल आपका? आप बताइए उसका YouTube चैनल। महालीज सरकारी के नाम से ये मेरा YouTube चैनल। और फिर मेरी बेटी है, हाँ मेरी बेटी भी है, तो वो मुझे बिजी रखती है, मैं सिंगल मॉम,
और आपको तो पता है बाहर की लाइफ क्या है, यहाँ तो आपने सब कुछ खुद करना होता है, तो पता ही नहीं चलता है दिन कहाँ जाता है। नहीं, किस टॉपिक पे है आपका चैनल जो है? सो मेरा टॉपिक जो है, जो मेन चैनल मेरा है वो वुमेन्स राइट एंड फ्रीडम के लिए मैं बातें करती हूँ, क्योंकि मैं 2008 में मैं मिस पाकिस्तान रह चुकी थी और मैं फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। आई वर्क इन पाकिस्तान, सो आई ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एज अ वुमेन, आई फील कि वहाँ पर औरतों के लिए हुकूक की बहुत ज़रूरत है। सो आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड वुमेन अप देयर, और जो वहाँ पर बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ, यानी उसके ऊपर, उसके हक के ऊपर मैं बोलती हूँ। अब हर किसी को नहीं पसंद आती हैं चीजें, बट कभी कभार सच कड़वा होता है। आपको पता है, जब लाहौर में, पाकिस्तान में जो ख्वातीन का दिन मनाया जाता है और यहाँ पे बहुत शोर और हंगामा होता है और मेरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के नारे कुछ लोग पसंद कर रहे होते हैं, कुछ उसको सख्त नापसंद करते हुए वहां पे हंगामा आरई भी करते हैं। क्या यहाँ आपके कनाडा में भी ऐसी सिचुएशन होती है कभी? नहीं, यहाँ तो लोग ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं। यू नो इट्स वे डिफरेंट कनाडा का। अगर आप फेमिनिज्म देखें जो यहाँ पर है, यहाँ तो थर्ड वेव फेमिनिज्म चल रहा है, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट देन जो पहले था। सो यहाँ पे, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ तो वो थोड़े लेफ्ट जो है कुछ ज्यादा ही उधर चले गए हैं, लेफ्ट की तरफ। तो आई डोंट पर से एग्री विद एवरीथिंग दे से, मगर हाँ आपने वो उसकी बात की है तो 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, खलील उल रहमान और मारवी सरवत की लड़ाई हुई थी और जी उन्होंने बिल्कुल, शटअप वगैरह बोला था ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त। तो मैंने जाके उस पर एक वीडियो बनाया, एंड मेरा पहला वीडियो वीडियो होगा जिसमें मैंने कभी गाली दी होगी, क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड होकर, और नीचे मुझे भी गालियां पड़ रही थी, मगर वो वीडियो वायरल हो गया। सो इट वॉज वन ऑफ दोज वीडियोज जिससे मुझे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वहां से मिले, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी करा, उन्होंने कहा कि सही बात कर रही है ये। तो हम लोगों को और जरूरत है कि औरतें बाहर निकलें और उनको सपोर्ट करें, बिकॉज एज अ मैन यू विल नेवर नो कि पाकिस्तान में औरत की लाइफ कैसी है। यू नो हमको तो पता है ना कि हम बाहर की कंट्रीज में आके यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि भाई फ्रीडम क्या है। यू नो इट्स जस्ट समथिंग सो डिफरेंट। पाकिस्तान से आप कब कनाडा पहुंची और क्या हालात थे जिनकी वजह से आपने पाकिस्तान को छोड़ा? वह पाकिस्तान से हम निकले थे आई थिंक अबाउट 96 या 97 में, तो मैं तो छोटी थी, माय मॉम टुक अस हियर। एक्चुअली माय मॉम जो थी, बहुत काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। सो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शादी एक मुसलमान से की थी, एंड शी वाजंट मुस्लिम बिफोर, तो जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो फिर वो दोबारा वापस कन्वर्ट करने जा रही थी, एंड द फैमिली वी बिलोंग टू वो नहीं चाहते थे, सो शी बेसिकली हैड टू टेक अस एंड रन, और फिर उन्होंने आके फिर यहाँ रेफ्यूजी लिया। या सो वो रिलीजन के बेसिस पे था, एंड दैट्स इट। तो मुझे पता है ना कि वहाँ पे फ्रीडम और रिलीजन को लेकर लोग वैसे भी बड़े सेंसिटिव हैं, सो इट्स नॉट अ सेफ कंट्री इन दैट सेंस। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे जो है रिलीजन को लेके कितना सेंसिटिविटी है, राइट? आप उस पर कौन बोल नहीं से सकते हैं। सिटी में रहती रही हैं आप यहाँ पे? कराची में? हम कराची में थे, हाँ जी, कराची से। अब तो आपको पता है कि कराची जो है बहुत एडवांस हो चुका और ये यूरोप का ही एक हिस्सा महसूस होता है। आप बल्कि आप जिस तरीके से कनाडा में बैठी हैं, लग रहा है बहुत ही मजबी किस्म की लोग खातून हैं नहीं, और शायद मैंने वो आपके व्यूअर्स के लिए ढक लिया था, और ना मैंने कहा मैं ऊपर स्वेटर पहन लूं, वरना तो अच्छा, नहीं, देखो पाकिस्तानी उसमें कैसे आके बैठी हुई है। सो नहीं, मैं एक्चुअली जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था 2008 में, फिर मैं 2010 में पाकिस्तान गई, मैं वहां पर मैंने देसी कुड़ियों में एयरवाई के साथ काम किया, वकार जका के साथ काम किया, आई वर्क अप देयर। तो जब मैं वापस गई थी, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान मैं छोटी थी उस वक्त, आई वॉज वेरी यंग, तो इतना कुछ हमें समझ में नहीं आता था, मगर जब मैं वापस गई हूँ यहाँ रहने के बाद 14 years लेटर, तो वहां पे मैंने देखा यार वहां पे पार्टीज भी चल रही थी, और आप जब मीडिया में काम करते हैं तो आई सॉ गर्ल्स वेयरिंग ड्रेसेस। मैं एक्चुअली इंटरव्यूज पे पहुंचती थी शलवार कमीज में, और वहां की जो लड़कियां होती थी वो जीन्स टॉप में आई हुई होती थी, राइट? सो इट वाज लाइक अ आई ओपनर फॉर मी कि वाकई में पाकिस्तान इतना प्रोग्रेस कर चुका है, एंड ऑब्वियसली इट हैज चेंज्ड, मगर वो स्लो ग्रोथ है उनकी, चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट जब हम निकले थे वहां से, तब तो यानी इंटरनेट भी नहीं था, यू नो माय मॉम हैड नो वे टू गेट अवे फ्रॉम, आपको तो पता उस टाइम पे तो गांव में ले जाकर मार भी देते तो पता भी नहीं चलना था।
सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक इन 96 97, उस वक्त की बात है. अच्छी बात आपने की है कि पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा जिसको कहते हैं ना बैकवर्ड से निकल के एडवांस स्टेज में दाखिल हो रहा है। तो ये पियानो आपके पीछे पड़ा है, इसका आपको शौक है, आपके बच्चों को है या किसको? मैं बजाती हूँ थोड़ा बहुत, मुझे बजाने का शौक है. बच्ची को भी थोड़ा बहुत सिखाती रहती हूँ मैं जब टाइम मिलता है तो. मगर अभी ये मैंने अभी नया नया ही मूव किया है. किसी ने सजेस्ट किया था कि वहां पड़ा हुआ है, तुम इसको पीछे यहाँ क्यों नहीं लगा देती हो, इट लुक्स नाइस इन योर बैकग्राउंड. चलें ठीक है, पाकिस्तान आने का दिल नहीं चाह रहा वापस? पाकिस्तान आने का दिल करता है मगर अभी देखें, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि शायद अभी ना आ सकूं. मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरिया है, कागान और वो सवात एरिया, हंजा, वहां जाके विजिट करूंगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत एरिया है. और मैं वैसे घूम चुकी हूँ पाकिस्तान. आई बीन टू इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, हैदराबाद, ऑल दोज प्लेसेस, मरी, नतिया गली, तो मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है. तो जब मैं पाकिस्तान आई थी वापस आफ्टर 14 ईयर्स, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वो खाना खाना, वो जगहें देखना, तो अपने बचपन की यादें आती हैं आपको, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. मैंने बहुत एंजॉय किया था. सो देखिए, अगर टाइम मिला और मौका मिला तो जरूर आऊंगी. अभी एक इस इंडिया का भी मैंने पाकिस्तान ट्रिप लगाना है, वाना गो टू इंडिया एज वेल. अच्छा इंडिया भी जाना चाहेंगे। मिस पाकिस्तान आप रही हैं, उसके बाद आपको फिल्मों में या टीवी ड्रामों में काम करने का मौका नहीं मिला या ऑफर्स नहीं हुई? मैं एक्चुअली जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था तो उस वक्त काफी लोगों ने शोर मचाया था, मुझे धमकियां बहुत आई थी कि ये लड़की क्या कर रही है, पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रही है. एनीवे, सो मैं जब वापस गई थी तो आई डिड आई वर्क विद ARY. मैंने देसी कुड़ियों में काम किया, मैंने थोड़े बहुत ड्रामे भी किए थे, मगर माई इट वॉज लाइक एक टांग वहां थी और एक टांग वहां यहाँ थी, राइट? एंड देन मैं बैक एंड फोर्थ करती थी, एंड देन आई मेट समवन, आई हैड माई चाइल्ड. तो उसके बाद से बस मौका ही नहीं मिला है. बच्चे हो जाते हैं तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू तो फिर मैंने अब इंटरनेट पे, बिकॉज आई फाइंड इंटरनेट इज एज गुड एज मीडिया और बेटर आई थिंक. मेरे पास तो टीवी केबल है ही नहीं, मैं तो सब कुछ जो है इंटरनेट के थ्रू देखती हूँ, स्ट्रीम करती हूँ. तो मैंने सोचा कि ये ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, एंड आई हैड अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल अप हियर. देसी कुड़ियां जो आपने बताया उसमें काम किया, इसके अलावा और कौन सा ड्रामा है जो मशहूर आपका जिसमें काम किया है? इतना तो कोई मशहूर ड्रामा नहीं है. एक नुमान एजाज के साथ किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं याद. एंड देन देयर वाज अ टेलीफिल्म आई डिड, उसका भी मुझे नाम नहीं याद क्योंकि ये लोग भेजते ही नहीं थे. सो आई हैव डन लाइक अ फ्यू थिंग्स. फिर मैं ऑक्सीजन के लिए एक मैं वीजे करती थी, इट वाज कॉल्ड मूनलाइट विद महलीज. फिर मैंने यहाँ पर कनाडा में एक हमारे हैं इरफान मलिक नाम है उनका, उनके साथ हम एक चाचा इन द बेब शो करते थे, वो भी TV1 की फ्रेंचाइज थी यहाँ पर. सो दैट वॉज ऑल्सो अ फन शो. बट यस, नाउ मेरा जो शो है उसका नाम है बेलगाम शो. मैं वो करती हूँ हर फ्राइडे 11 o'clock माई टाइम हियर. तो उसमें वो नाम से पता हो गया, बेलगाम है तो उसमें जरा सच्चाई की ज्यादा बातें होती है. ये सच्चाई किस तरह की है? ये सच्चाई वो है जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, और वो सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की वो है. आई थिंक कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक सर्टन नैरेटिव चल रहा है और उस सर्टन नैरेटिव को पुश करते हैं, और अगर आप उस सर्टन नैरेटिव के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपको सेंसरशिप फेस करनी पड़ती है. यू गेट बैंड, यू गेट यू काइंड ऑफ गेट अ शट अप कॉल फ्रॉम एवरीवेयर, व्हिच आई थिंक मैं इज जिस नॉट गुड. मैं कहती हूँ दोनों साइड की नैरेटिव्स होने चाहिए, एंड लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे थिंक इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. आज की तो हम बात करना चाह रहे थे पाकिस्तान इंडिया और चाइना की, लेकिन बात जी चल निकली है, देखें कहाँ तक पहुंचे और ये कहाँ तक पहुंची और ये सियासत से आगे आके फन की तरफ चली गई, आपकी फनी जिंदगी के बारे में भी बातें हुई। आज जॉइंट सेशन था हमारा मुख्तलिफ मौजूआत पे, तो जी इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच. के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.